हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर के नए लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इस वर्ड से आप सभी लोग परिचित होंगे, बोलेंगे वो कैसे सर, जब आप गर्मियों के दिनों में खुद को बहुत ही ज़्यादा वीक फील करते हैं और जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से बोलते हैं हमको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, तो वो क्या बोलते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से पानी पीजिए, आपको डिहाइड्रेशन हुआ है। यानी कि आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ वाटर है, और उसी को बोलते हैं वो डिहाइड्रेशन हुआ है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करिए यार, केमिस्ट्री तो वही है ना जो डेली लाइफ में होती है। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ से रिमूवल हो वाटर मॉलिक्यूल का, वो चीज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ H2O इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। लाइफ में कभी भी डिहाइड्रेशन मिलेगा तो डी मतलब निकल जाना, हाइड्रेशन मतलब वाटर का, वाटर का निकल जाना, वाटर का कम हो जाना, वाटर मॉलिक्यूल का डिक्रीज हो जाना, वो चीज़ नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और जब यही डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं इन रिफरेंस ऑफ एल्कोहल तो क्या होगा? तो एल्कोहल है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और बनेगा क्या? बनेगा हमारा एल्कीन। अब आप सोचेंगे सर ऐसे कैसे एल्कीन बता दिए आप? मैं बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट कैसे एल्कीन बनेगा, क्योंकि अभी तक जितनी रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़े उसमें मैकेनिज्म नहीं दी गई थी, ना ही सिलेबस में आपके है। बट ये जो आप रिएक्शन पढ़ेंगे NCERT में भी मैकेनिज्म दी है, और मैं भी आपको मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, और एग्जाम में भी आएगा तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विथ मैकेनिज्म आपसे पूछेगा। तो बहुत छोटी रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप लोग इसको छोड़ देते हैं, बट मैं इसको समझा रहा हूँ, आप लोग यकीन मानिए इसकी मैकेनिज्म एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो अब करना क्या है कि कभी भी डिहाइड्रेशन अपने मन से नहीं होगा, कोई ना कोई वजह होगी, और वजह क्या होगी? केमिस्ट्री में डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट वजह होती है। तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट सर कौन कौन से हैं? तो आओ कुछ जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, कि जिनको भविष्य में आप कहीं भी देखेंगे तो पहचान जाएंगे, अरे ये तो वही है जिसने वाटर मॉलिक्यूल को भगा दिया था। आइए देखते हैं क्या है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की बात करें तो कंसंट्रेटेड H2SO4 भैया एकदम टॉप पे आता है, पहले नंबर पे आता है। और दूसरा बात करें तो H3PO4, ये भी हमारा क्या है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है ये भी, है ठीक है, ये भी कंसंट्रेटेड ही ले लेते हैं। तो ये हमारे जबरदस्त दो जबरदस्त डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट हैं जो वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर रहते हैं, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में होगा क्या भैया? एल्कोहल है, बनेगा क्या? एल्कीन, निकलेगा क्या? वाटर मॉलिक्यूल। तो एल्कीन के साथ H2O का रिमूवल भी करा दें। अब किसकी उपस्थिति में होगा? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की उपस्थिति में होगा। तो ये तो हो गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, ये तो हो गया हमारा आउटलाइन ऑफ द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मैं आउटलाइन क्यों देता हूँ? कि जो कभी भी ना पढ़ा हो केमिस्ट्री उसे भी समझ में आ जाए। कैसे समझ में आ जाए? जब एल्कोहल को डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट जैसे H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में हीट करते हैं, हीट तो करना पड़ेगा भैया, वाटर निकालना है तो हीट करना पड़ेगा, तो होता क्या है? डिहाइड्रेशन होता है और एल्कीन बनती है और H2O बनता है। ये तो हो गया जनरली। अब आइए बात करते हैं कि सुंदर सा एल्कोहल लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं। आइए एक सुंदर सा एल्कोहल लेते हैं, वो वाला जो गाँव में बहुचर्चित है, गांव में क्या शहरों में भी लोग पीते हैं, CH3CH2OH। और इसको तो आप सभी जानते होंगे, ये हमारा एथिल एल्कोहल है, सबका पसंदीदा पेय पदार्थ है। हालांकि ये हानिकारक है बहुत ही ज़्यादा, बट इसके बेनिफिशियल भी हैं, वो सारी चीज़ें तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, सिलेबस से हट गए हैं एल्कोहल के यूज, लेकिन हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ये हमारा एल्कोहल हुआ, अगर बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन सा टाइप का एल्कोहल है, तो ये OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से एक कार्बन है, इसका मतलब ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल की रिएक्शन हम कराए किससे? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? कंसनट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे क्या ले लिया? हीट। कितना हीट लिया? 443 केल्विन। अब ऐसे आसपास होगा, पर याद नहीं किए हैं ना, रटे हैं, हीट देते हैं। अब बनेगा क्या? मैं आपको बनेगा क्या ये बता दूं और ट्रिक बता दूं कैसे बनेगा, लेकिन मैकेनिज्म कुछ अलग टाइप से होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि इसको सबसे पहले यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, क्योंकि हमने पढ़ा वाटर मॉलिक्यूल, जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो होगा क्या?
अब वाटर मॉलिक्यूल किस बे में निकालें कि आपको तुरंत याद हो जाए, तो सबसे पहले इसको हम ओपन करके लिखते हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ ओपन करके लिखते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पे लिखते हैं सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, फिर यहाँ पे लिखते हैं सी, यहाँ पे लिखते हैं ओ एच, यहाँ पे लिखते हैं एच, यहाँ पे लिखते हैं एच, चीज़ें वही हैं, सी एच थ्री, सी एच टू, ओ एच, बस थोड़ा सा ओपन फॉर्म में लिखे हैं। अब जरा वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकालिए, तो ये देखिए कितना सुंदर तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। और जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला तो इसके प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल हम पहले ही बना दें, तो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, बचा क्या हमारे पास, सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू। अब कार्बन की बैलेंसी तो भैया तीन ही बच रही है, देखिए सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू। अब कार्बन हाइड्रोजन तो पैदा कर नहीं सकते, करेंगे क्या, ये जो बॉन्ड दोनों हैं इसके जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, ये एक बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और बन क्या जाता है, एल्कीन। तो सुंदर सा तरीका है, H2O को निकाल दिए और दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इधर है, कार्बन की बैलेंसी चार होती है, यहाँ पे कार्बन के तीन बॉन्ड है, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन इधर लिया और बना दिया एक बॉन्ड, बन गया एल्कीन और वाटर। और यही तो हमने पढ़ा था कि जब एल्कोहल की रिएक्शन डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट से हो और हीट दें तो एल्कीन बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये हुआ हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इतने पे बात ख़त्म नहीं हुई, आप पूछेंगे सर क्यों, अभी तो हम ये देखेंगे ये 1 डिग्री का हुआ, अभी 2 डिग्री का देखेंगे, 3 डिग्री का देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन कौन सा फास्ट दे रहा है, क्योंकि नीट और IIT में क्वेश्चंस आते हैं कि 3 डिग्री डिहाइड्रेशन फास्ट देगा कि 2 डिग्री की 1 डिग्री, और क्या क्वेश्चन आते हैं, और इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीज़ भी हम लोग देखने वाले हैं। उस चीज़ को कैसे देखेंगे, तो ये हो गया 1 डिग्री का खेल, हम इसको कर दे रहे हैं रफ। अब बात करते हैं 2 डिग्री का खेल, ठीक है ना, हम इसको भी मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं 2 डिग्री एल्कोहल की, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भैया 2 डिग्री एल्कोहल, लिखते हैं क्या, CH3। अब देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ यही लें, आपकी NCERT बुक में ये लिया गया है तो हम यही ले रहे हैं, क्या H3PO4, ठीक है, वो भी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, वो भी वही काम करेगा। अब ले लेते हैं भैया 2 डिग्री, 2 डिग्री का क्या मतलब सर, कार्बन से पहले हमको क्या जोड़ना है, एक हाइड्रॉक्सी ग्रुप जोड़ना है और इस कार्बन से हमको 2 CH3 ग्रुप जोड़ने हैं, तब ये जाके बनेगा क्या 2 डिग्री, ये हो गया हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, हमको सबसे पहले तो हीट देनी है ज़बरदस्त तरीके से, और यहाँ पे हमने 100% कंसनट्रेटेड H3PO4 लिया था, यहाँ पे 80% H3PO4 लिया जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों, यहाँ इतना लिए यहाँ इतना क्यों, अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों, तीनों रिएक्शन देख लीजिए पहले, फिर सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी ऐसा क्यों। देखिए अब करना क्या है, वही चीज़ जो हम अभी तक करते हैं, H2O को भगा दिए, अब प्रोडक्ट में क्या अब निकला, यहाँ H2O को निकाल दिए, बना क्या, बचा क्या भैया, बचा हमारे पास CH3 और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो अब ऐसे तो काम बनेगा नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको नहीं निकालते हैं जिससे आपको और आसानी हो ये मैकेनिज्म समझने में, एक काम करते हैं हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे। तो हम करते क्या है, आपको समझाने के लिए इस OH को यहाँ कर दे रहे हैं, मैं केवल आपको समझाने के लिए, आप वहाँ से भी कर सकते थे लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एकदम सिंपली लिख रहा हूँ कि डायरेक्ट ऐसे निकाल दे और आप समझ जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन, यहाँ से एक OH जोड़े और 2 कार्बन वाली चेन हमको जोड़नी है, तो हम यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए और कहाँ जोड़ दिए, यहाँ। अब हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, यहाँ पे CH3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम ऐसे यहाँ से इसको निकाल दें H2O को तो भी वही चीज़ बनेगी, लेकिन तब आप समझ नहीं पाएंगे कैसे बनी, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं H2O मॉलिक्यूल को। अब आप समझ जाएंगे कि कैसे यही चीज़ बनी, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं CH3, यहाँ पे C, अब C से ये CH2 जुड़ा है, हम CH2 जोड़ दिए, ठीक है, और ये H निकल गया तो CH2 पे पॉजिटिव, CH2 पे निगेटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव निकला, ठीक है, और यहाँ से OH निकला तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली निगेटिव और इसके साथ नीचे H। अब कार्बन की बैलेंसी भैया 1, 2, 3 है, यहाँ बन गया पॉजिटिव निगेटिव मिलके डबल बॉन्ड,
और ये बन गया हमारा एल्कीन। मैंने इसीलिए यहाँ से निकाला कि आप आसानी से समझ सकें। अगर मैं इन दोनों को निकालता तो फिर से रीअरेंज करना पड़ता CH3 को CH2 में कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए मैंने इससे एक हाइड्रोजन निकाला। तो ये हमारा बन गया एल्कीन प्लस वाटर। अब क्वेश्चंस ये है कि यहाँ पे 100% कंसंट्रेटेड लिया था, यहाँ पे 80% लिया। अब 3 डिग्री के लिए बात करें, ये तो था 2 डिग्री। 3 डिग्री के लिए बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हमने OH, यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे लिखा CH3। अब CH3 को हम फिर से उसी तरह लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्या, सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, CH2 और CH, ठीक है। और करते क्या हैं, यहाँ पे हम 20% ही लेंगे क्या H3PO4। आप सोचेंगे सर ये कैसे घटते जा रहा है, यहाँ पे इतनी हीट लिए, यहाँ पे इतनी लिए, यहाँ पे हीट का काम ही नहीं पड़ेगा। ऐसा मैंने नहीं बोला, हीट पड़ेगा बट थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे हमने हीट दी, या रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है रिएक्शन। मेनली आपको ये देखना है यहाँ पे इतना ज़्यादा हमको लेना पड़ा प्रोटोनिक एसिड, यहाँ पे 80% कंसंट्रेटेड, यहाँ पे 20%। अच्छा, प्रोटोनिक एसिड तो समझ गए ना, प्रोटिक एसिड मतलब जहाँ से H+ निकल सके, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे भी वही काम करना है, क्या वही काम सर, H2O भगा देना है। निकाल दिए भैया, अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, H2O, ठीक है। इसको हम क्या किए, निकाल दिए। अब यहाँ पे हमको क्या बचा, हमारे पास बचा, देखिए क्या बचा, CH3C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कीन। और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की जब मैंने डिफिनीशन बताई तो आपको यही बताया कि जब एल्कोहल से H2O रिमूव होगा किसी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की उपस्थिति में तो मिलेगा क्या, एल्कीन और वाटर मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं सर आपने ये क्यों किया, यहाँ 100% लिया, यहाँ 80%, यहाँ 20%। क्योंकि माई डियर स्टूडेंट्स, यहीं से तो एक क्वेश्चन हो कि IIT में आया हुआ है, क्लियर होता है कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस सबसे तेज 3 डिग्री देगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा लेने पर ही हो गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेना पड़ा। तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में सबसे ज़्यादा होती है। 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन देगा। तो ये तो हुआ भैया हमारी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल रिस्पेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और हमने देखा कि डिहाइड्रेशन में क्या बनता है, कन्वर्जन का क्वेश्चन भी यहाँ से 2 बन सकते हैं। मैं इसीलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लास्ट में आप ये ना कहें सर हमको ये चीज़ छूट गई। कन्वर्जन कैसे आएगा, कन्वर्ट करिए एल्कोहल से एल्कीन में तो क्या करना है, याद करेंगे तुरंत, वो सर डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ाए थे, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज करेंगे और एल्कीन में कन्वर्ट कर देंगे। या क्वेश्चन आ गया, ये तो कन्वर्जन हो गया, क्वेश्चन आ गया क्या होता है जब एल्कोहल की रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो क्या होगा, एल्कीन बनेगा, वाटर निकल जाएगा। लेकिन तब आप ये बता पाएंगे क्या होगा, जब आपको पता है कि इसका काम क्या है, H2SO4 का काम क्या है, आप ये रिएक्शन जब पढ़े होते तब। तो आप जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं इसको रफ करता हूँ और फिर इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म जो कि बोर्ड में आई हुई है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो पहले स्टेप में क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा एल्कोहल है वो बन जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। कैसे बनेगा देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। आप सोचेंगे सर ऐसे कैसे बना दिए, पहले से कैसे पता चल गया, हम देखते हैं ना कैसे बनेगा। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सबसे पहले एक एल्कोहल लेते हैं CH3C2OH, ठीक है। इसको थोड़ा ओपन करके लें जिससे आपको क्लियर हो। यहाँ पे हमने लिया CH3, ठीक है, और CH2 के लिए हमने ये लगाया प्लस OH। ये हमारा हो गया भैया एथिल एल्कोहल। अब प्रोटोनेशन कैसे होगा, अच्छा आपको पता है कि यहाँ पे हम जो लेते हैं एक प्रोटिक रिएजेंट लेते हैं जो डिहाइड्रेशन कराता है। अब प्रोटिक रिएजेंट क्या होता है, जो H+ दे सकता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ H+ ही लेते हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम का हमको काम है और H+ का ही हमको काम था। इनफैक्ट जो हम लेते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट उसमें CH+ का ही यूज करते हैं। मैकेनिज्म आप समझिए, और मैकेनिज्म होती क्या है, एक पॉसिबिलिटीज़ होती है, कहीं लिखा नहीं है कि ऐसे ऐसे होता है, बस ये एक हाइपोथेटिकल होता है। तो अब हुआ क्या
कि ये जो H प्लस है उस एसिड द्वारा दिया गया होगा। अब ये H प्लस चाहे H2SO4 ने दिया हो और चाहे H3PO4 ने दिया हो, ठीक है, ये H प्लस उसी का होगा जो कि प्रोटिक H प्लस है या प्रोटॉन है। ये अटैक करेगा इस पर, क्यों इस पर अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। पॉजिटिव किसके पास आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होगी। जब ये इसके पास आएगा तो बनेगा क्या हमारा, बनेगा C यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे O, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। जब ये H प्लस यहाँ आया तो ये कुछ ऐसा बन गया, और ये बना क्या, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, मैं दूसरा स्टेप लिख दे रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा। अब आप सोचेंगे सर कैसे बनेगा, तो पहले वही चीज़ हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ लिख ली, ये चीज़ हमने लिख ली, ठीक है। अब क्योंकि ऑक्सीजन एक निगेटिव स्पीसीज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और उस पर पॉजिटिव है, तो ये अनस्टेबल होगा और ये निकल जाएगा यहाँ से OH2, इसी को हम H2O ही तो है, ये निकल जाएगा क्योंकि ये एक लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अच्छा एक चीज़, यहाँ पे सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, यहाँ पे सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, ठीक है, सारी रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। अब ये निकल गया तो ये जो रिएक्शन हुई ये बहुत ही फास्ट हुई, एक चीज़ और ध्यान रखते चलिए, ये जो रिएक्शन हुई बहुत ही फास्ट हुई, इंस्टेंटली हुई, यहाँ पे प्रोटॉन अटैक किया और बन गया क्या भैया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल से ये लीप कर गया H2O ग्रुप, यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं H2O ग्रुप, ठीक है, और ये जो रिएक्शन हुई स्लो रिएक्शन हुई। और आप लोग एक चीज़ और जानते हैं कि जो स्लो रिएक्शन होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, जो स्लो रिएक्शन होती है केमिकल काइनेटिक्स में मैंने पढ़ाया है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, यानी इस रिएक्शन की रेट इसी स्टेप से डिटरमाइन होगी। अब क्या बचा हमारे पास, H, C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, ठीक है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, निकलना पड़ा, इसे लिविंग ग्रुप हो गया। अब यहाँ बना क्या, यहाँ बना हमारा कार्बोकेटायन, और हमने हेडिंग क्या लगाई थी, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, ये बन गया भैया हमारा कार्बोकेटायन। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, ठीक। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं, तीसरे स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तीसरे स्टेप में रिमूवल हो जाएगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉनिक हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब जैसे ही प्रोटॉन अपनी जगह छोड़ेगा तुरंत फॉर्मेशन होगा किसका, एल्कीन का, इसी स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि मेन स्टेप तो यही वाला था कार्बोकेटायन का बनने वाला, और जैसे ही कार्बोकेटायन बना यही स्लो स्टेप था, यही रेट डिटरमाइनिंग था, तुरंत एल्कीन बनेगा। अब आप सोचेंगे सर कैसे बनेगा, देखिए हमको ये चीज़ नोट करनी है, यहाँ सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से एक प्रोटॉन निकाल देना है और एल्कीन बना देना है, तो कैसे होगा, यहाँ भी रिवर्सिबल लगाएंगे, ये वाला जो H है ये निकल जाएगा और इसके जो कार्बन के अपने, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यानी कि कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन से बोलेगा तुम निकल जाओ, तो इस रिएक्शन में H प्लस आयन निकल गया, और जब H प्लस निकलेगा तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ जाएंगे और कार्बन उनको शिफ्ट कर देगा यहाँ, जिससे पॉजिटिव माइनस मिलके एक बॉन्ड बना ले। और जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा मैं आपको दिखा दूँ, जो बॉन्ड बनेगा वो देखिए सिंपल सा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे H H, और ये क्या है, इसी को रीअरेंज करें तो ये भैया हमारा क्या है, एल्कीन है, तो बन गया ना एल्कीन। और हमने क्या पढ़ा था, डिहाइड्रेशन में एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल निकाला गया, तो वाटर मॉलिक्यूल किस स्टेप में निकला, दूसरे वाले स्टेप में, और बना क्या एल्कीन। कितने स्टेप में रिएक्शन हुई, थ्री स्टेप में। आप बोलेंगे सर बहुत अच्छे से नहीं समझ में आई, तो माय डियर स्टूडेंट्स एक मिनट, बहुत अच्छे से आ जाएगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल,
प्रोटोनेटेड एल्कोहल के लिए हमको क्या लेना है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लेना है जो प्रोटिक हो, जो एच प्लस दे सकता हो। तो एच प्लस जो दिया उसी एच प्लस को इस पर अटैक करा दिए लोन पेयर पे, बन गया क्या OH2, यानी कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। अब प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, ऑक्सीजन पे नॉर्मली निगेटिव चार्ज होता है, बट इस टाइम पॉजिटिव है, ये बेटर लिविंग ग्रुप बन गया, निकल गया। जैसे ही ये निकला, स्लो स्टेप रिएक्शन ही कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट होता है, कार्बोकेटायन क्या किया, कार्बोकेटायन ने अपने एक प्रोटॉन निकाल दिया और एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर तो इस स्टेज पर रहेगा नहीं, इंटरमीडिएट है, इस पॉजिटिव को एक निगेटिव की जरूरत थी और निगेटिव के लिए एक एच निकाले और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस पे दिया, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और बन गया क्या हमारा एल्कीन। तो ये हुआ ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उस क्वेश्चन का जवाब हम दे दें जो अभी अभी हमने आपको बताया था कि 3 डिग्री एल्कोहल सबसे तेज डिहाइड्रेशन देता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्यों ना दे? क्योंकि इस रिएक्शन की जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ये है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बन रहा है क्या, कार्बोकेटायन। और आपको पता है कार्बोकेटायन में जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना बेहतर प्रोडक्ट देगा। तो जब 3 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे तभी ना 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल सबसे तेज डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है। क्लियर सारी चीज़ें ना? तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं यानी कि पहला वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर के सारे वीडियोज एकदम सीरियल से नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से ले लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।